आज मैं आपके लिए बहुत ही मीठा रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट है, जो हमारे भारत में बहुत पसंद किया जाता है, हमारी भारत की वो पारंपरिक मिठाई है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं वो कौन सी मिठाई है। तो फ्रेंड्स, यह है आज की हमारी रेसिपी गुलाब जामुन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी आज किचन में सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी बताऊँगी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही नरम और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो आप इसको बनाइएगा और मैं आपको सूजी का गुलाब जामुन घर पे बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जिसे आप बनाएंगे, आपके घर में कोई भी गेस्ट आ जाए या फिर आपका कोई त्यौहार है, किसी का कोई फंक्शन है, अगर आपका मन करे आप डेजर्ट में भी बनाइए सूजी का गुलाब जामुन। बहुत ही इजी, बहुत ही कम सामान में आपको मैं दिखाऊंगी ये रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। फ्रेंड्स, आजकल तो मार्केट में जो गुलाब जामुन आता है वो उसमें मिलावट भी रहती है, तो आप ये ज़रूर बनाइए मेरे तरह से इस घर पे गुलाब जामुन को सूजी वाले, बहुत ही सबको पसंद आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को पूरा देख लीजिए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हम और सारी नई नई रेसिपीज़ लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम सूजी का गुलाब जामुन जानने के लिए इसकी हम सामग्री जान लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने एक बाउल में 300 ग्राम मैंने सूजी ले ली है, रवा सूजी, ये ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली वाली ही ले। और ये मैंने लिया है, और ये मैंने फ्रेंड्स चीनी 500 ग्राम लिया है। फ्रेंड्स अब सूजी बहुत जो महीन वाली होती है ना, बहुत पतली वाली, उसी को लीजिएगा, उससे बहुत अच्छी सूजी बनती है। मोटी सूजी से सूजी, जो मोटी वाली सूजी होती है उससे गुलाब जामुन ख़राब हो जाता है, अब महीन वाली लीजिएगा। और ये देखिए, मैंने कुछ नारियल लिया था, कद्दूकस कर लिया है, और मैंने यहाँ इलायची लिया है, 3-4 इलायची है, और ये मैंने लिया है नारियल के बुरादों को लिया, इससे टेस्ट गुलाब जामुन का, जो सूजी में जब नारियल का बुरादा डलाएगा तो सूजी का गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बन के आएगा। और ये मैंने देखिए 2 कप के लगभग दूध ले लिया है, जिसको मैंने एक बाउल में रख लिया है। तो फ्रेंड्स बस हमें इतनी ही सामग्रियाँ चाहिए, सूजी का ज़बरदस्त और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको वीडियो शुरू करते हैं, इसकी विधि दिखाते हैं कि कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, नरम और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख के उसमें रिफाइन तेल डाल दिया है। आपके पास अगर घी है तो आप घी में भी बना सकते हैं, और मैंने रिफाइन तेल डाल दिया है। इसको मैं गर्म होने दूंगी, उसके बाद इसमें सूजी को हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया था, तो देखिए मैंने सूजी को डाल दिया है पूरा कढ़ाई में, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और बहुत ही सुगंधित महक आने लगती है जब ये फ्राई हो जाता है, तब उसी टाइम पे हम गैस बंद कर लेंगे, तब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन तक। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट सूजी चलाने के बाद जब इसमें एक अच्छी सी सुगंधित सी महक आने लगती है, और नीचे ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसी टाइम पे सूजी को और बढ़िया पकने के लिए मैंने इसमें दूध को डाल दिया है। देखिए मैंने दूध डाल दिया। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने दूध डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हमारे जो दूध है वो सड़ जाएगा सूजी में और गाढ़ा हो जाएगा, तो और इससे सूजी भी बढ़िया पक जाएंगी, तो हमें डो तैयार हो जाएगा एक, उसी से हमारा जो गुलाब जामुन है तो वो तैयार होगा, इसीलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ये नारियल को बुरादा डाल देते हैं, उसके बाद हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये सट ना जाए नीचे से, तो ये ख़राब हो जाएगा टेस्ट, इसीलिए हमको चलाते रहना है। देखिए दूध भी हमारा जो था वो सट गया है, पर अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको और चलाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा 5 से 6 मिनट के बाद बहुत बढ़िया हमारा जो दूध था सोख लिया है पूरा सूजी, और हमारी सूजी बहुत बढ़िया पक भी गई है। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम इसको उतार के इसका डो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है अपना जो सूजी था। अब देखिए ये डो के तरह बन गया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक हमारा जो गुलाब जामुन का मैंने जो सूजी तैयार किया है उसका डो वो जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका जो मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने देखिए 2 गिलास पानी डाल दिया है भगोने में। तो फ्रेंड्स 2 गिलास पानी डालने के बाद हम अब इसमें चीनी को डाल देते हैं। 500 ग्राम के लगभग मैंने चीनी लिया था। तो फ्रेंड्स देखिए चीनी और पानी डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा चला के 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक कि हमारा जो चीनी है वो बहुत बढ़िया से पानी में घुल जाए और पानी और हमारा गाढ़ा हो जाए बढ़िया से। तो अब हम इसे छोड़ देते हैं ढककर। तो देखिए फ्रेंड्स तब तक मैं सूजी जो ठंडा हो गई थी इसका बढ़िया से डो तैयार कर लिया है मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा डो तैयार हो गया है सूजी का। तो अब हमें ये देखिए छोटा सा लोई लेना है और इसे गोल गोल, तो देखिए छोटी सी लोई लेकर इसे गोल गोल इसे करते जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम छोटी सी लोई लेकर इसको गोला गोला देखिए इस तरीके से आपको करते जाना है। देखिए इसी तरह से आपको गोल 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 करके गुलाब जामुन, 3 गुलाब जामुन मैंने डो को बना के गोल गोल 3 गुलाब जामुन तैयार किया है। देखिए अब इस तरह से बाकी सारों को सारे डो का इसी तरह से हम गोल गोल करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे डो का गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन के तैयार है। देखिए मैंने पूरा तैयार कर लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे उसके बाद हम इससे चाशनी में डालेंगे। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस अब आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप जब गुलाब जामुन का डो तैयार करें तो गुलाब जामुन को मीडियम ही इसका जो लोई ले ज़्यादा बड़ा मत ले लीजिएगा, नहीं तो वो जब चाशनी में डूबेगा तो और उसमें जब चाशनी आएगा तो बहुत बड़े बन जाएंगे। तो आप इसीलिए मीडियम ही गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो लोई आप ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने 10 मिनट में ही अपने सिरा को देख लिया था। तो ये देखिए अभी उतना बढ़िया तैयार नहीं हुए हैं, ये मैं बस चेक करने के लिए देखी थी कि ये तैयार हुए कि नहीं। ये देखिए अभी नई तार तैयार हो रहा है, तो मतलब अभी ये तैयार नहीं हुआ है। फ्रेंड्स अभी मैं इसमें इलायची डाल दे रही हूँ ताकि जो गुलाब जामुन का तैयार हो उसमें जाए, तो बहुत ही अच्छी इलायची की खुशबू है। तो मैंने कूट के इसमें इलायची डाल दिया है। ये देखिए मैं इलायची को डाल देती हूँ इसमें। अब जब चाशनी तैयार होगी तो बहुत ही सुगंधित इलायची की महक आएगी। तो फ्रेंड्स हम अभी इसे और छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, क्योंकि अभी हमारी जो चाशनी है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है। तो अब हम 10 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो चाशनी थी वो देखिए बन के तैयार हो गई है, चिपचिपाहट आ गया है इसमें। एक तार की हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। आप तब तक इसको चाशनी को आप गैस पे रहने दें जब तक कि हमारे चाशनी में चिपचिपाहट ना आ जाए, आप चेक करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स कुल मिला के हमें 20 मिनट लगा है चाशनी को तैयार करने में। तो चलिए अब हम इसको उतार देते हैं। तो फ्रेंड्स गुलाब जामुन को उबालने के बाद चाशनी को तैयार होने के बाद अब हम इसमें गैस चढ़ा के गैस ऑन करके उसमें कढ़ाई चढ़ा के हमने रिफाइंड तेल डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें रिफाइंड तेल को गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें अपने गुलाब जामुन जो मैंने डो से तैयार किया है उसको इसमें तलेंगे। तो इससे पहले रिफाइंड तेल गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा रिफाइंड तेल गर्म हो गया था। अब हम बारी बारी से अपने सारे गुलाब जामुन को इसमें डाल देते हैं।
तो फ्रेंड्स गुलाब जामुन को हम लोग इसे जब तक पूरी तरह से ये लाल ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है, ये उलटना पलटना है ताकि ये जल ना जाए नीचे से। तो हमें इसे एकदम लाल कलर होने तक इसे भी चलाना है, उलटना पलटना है। और गैस का फ्लेम फ्रेंड्स मीडियम रखें, नहीं तो जल जाएंगे गुलाब जामुन। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे जो गुलाब जामुन थे अभी हल्का हल्का ये लाल हो चले हैं, तो अभी हमें और इन्हें एकदम डार्क रेड करना है। तो अभी इसे हम चलाते रहना है अपने गुलाब जामुन को, उलटना पलटना है ताकि ये जल ना जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा गुलाब जामुन तल के बिल्कुल तैयार है, ये कितना लाल हो गया है। अब हम इसे अलग करना है, आपको इतना भी ज़्यादा नहीं चला देना है कि जो गुलाब जामुन है वो काले दिखने लगे, जितना हल्का लाल गुलाब जामुन रहेंगे उतना ही खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे, इसलिए हमें लाल होने तक इसे चलाते रहना है। बस आपको ज़्यादा काला होने से थोड़ा सा लाल करना है, तब हम इन सबको निकाल देते हैं। देखिए कितना बढ़िया ये लाल हो गए हैं, एकदम डार्क लाल हो गए हैं। बस आपको इसी तरह से अपने बाकी सारे गुलाब जामुन को इसी तरह से फ्राई करके आपको लाल कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारी सारी गुलाब जामुन बनके तैयार हो गई थी, मैंने सारा अलग करके ये देखिए कुछ गुलाब जामुन अपने खाने के लिए निकाल लिया था, और इसे मैंने देखिए जो मैंने चाशनी तैयार किया था उसी में मैंने कुछ 5 से 6 गुलाब जामुन को डाल दिया है, और मैंने थोड़ा ऊपर जो नारियल मैंने आपको दिखाया था कद्दूकस किया था उसी से मैंने ऊपर देखे गुलाब जामुन पे गार्निश कर लिया है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट ये गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। अब आप इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद खाइए, एकदम आपको बाज़ार से भी बढ़िया गुलाब जामुन को आपको टेस्ट मिलेगा। फ्रेंड्स खोआ सबके घर जल्दी उपलब्ध नहीं होता है तो वो लोग गुलाब जामुन खाने से वंचित रह जाते हैं, तो सूजी तो सबके यहाँ ही मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसीलिए मैं सूजी का आपको ये रेसिपी गुलाब जामुन की दिखाई हूँ बना के, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। खोआ से भी ये सूजी की जो गुलाब जामुन बन के तैयार होती है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लगती है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और देखिए अब हम 2 घंटे बाद ही इसे खाएंगे, क्योंकि इसका जो चाशनी है वो बहुत बढ़िया से गुलाब जामुन के अंदर चला जाएगा, तो वो एकदम बाज़ार से भी अच्छी वाली खाने में फीलिंग आएगी, और वो बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा होगा आप सबको भी देखकर हमारी गुलाब जामुन सूजी की। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हम आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आप भी ज़रूर घर पर बनाइए अपने गेस्ट के लिए, कोई फेस्टिवल पे या कोई बच्चे के बर्थडे में बनाइए आप, या डेजर्ट में बनाइए, कभी भी इसको बनाइए, बहुत ही आसानी से बहुत ही कम सामान में बहुत ही कम समय में भी तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको रेगुलर मिले। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।